आज की सबसे बड़ी खबर है। देश में लोकसभा चुनाव कब होंगे ये दोपहर 3 बजे पता चल जाएगा। निर्वाचन आयोग आज लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करेगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ में जुटे हुए हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के समन पर गैर हाजिर करने के कारण उसकी शिकायत पर केजरीवाल की कोर्ट ने केजरीवाल को तलब किया है और उनकी पेशी है। बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से ही जुड़ी हुई है। ईडी ने तेलंगाना की बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है जिस पर लगातार हमारी नजर है तारीखों के ऐलान से ठीक पहले। आज दोपहर आपको बता दें दोपहर 12 बजे TV9 भारतवर्ष लोकसभा चुनाव पर लेकर आ रहा है सबसे बड़ा और विश्वसनीय ओपिनियन पोल। ठीक 12 बजे इसकी शुरुआत होगी और आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये बड़ी खबर आपको बताएं, निर्वाचन आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। तो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से और आज ऐलान हो जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का। जी हाँ, आज 16 मार्च है और आज की तारीख भी बहुत अहम है। आज तय हो जाएगा कि देश में लोकसभा चुनाव कब होंगे। जी हाँ, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने कल एक पोस्ट में कहा था कि आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहे हैं। आज पता चल जाएगा कि देश की 543 लोकसभा सीटों पर मतदान कब होंगे, क्या तारीखें होंगी और ये भी पता लगेगा कि कितने चरण में चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही निर्वाचन आयोग आज 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करेगा। और ये 4 राज्य कौन से हैं आपको बता दें जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। अब अनुमान के मुताबिक देश में 6 से 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण की वोटिंग जो सामने आ रही है कि जो तारीख हो सकती है वो 18 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण का फर्स्ट फेज की वोटिंग हो सकती है और मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव परिणाम आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। और सुमंत कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। सुमंत, सबकी नजरें टिकी हुई है दोपहर 3 बजे पर, आज चुनाव आयोग का क्या तारीखों का ऐलान करता है और कितने चरणों में चुनाव होगा ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से निधि, देखिए ये इस बात का इंतजार हो रहा था कि आखिर कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। कल ये जानकारी आई कि आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इससे पहले मैं बता दूं कि कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई थी और आज दोपहर 3 बजे ये ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से कि कितने चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन इन सबके बीच अपने अपने तरीके से जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल, अपने अपने तरीके से चाहे उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की बात हो या बाकी अन्य तैयारियों में जुटे हुए। और कल आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा जो तारीखों का ऐलान, उसे ठीक पहले अब प्रधानमंत्री ने जो एक लेटर जारी किया है और किस तरीके से देश की जनता को उन्होंने कहा कि एक दशक का आपका संबंध और इस पूरे एक दशक में जो उनकी उपलब्धियां रही उनको वो उन्होंने जनता के सामने रखा है। तो अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक लोगों को गारंटी दे रही है, मोदी जो प्रधानमंत्री है वो अपनी गारंटी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनावी माहौल लगातार बनता जा रहा है और तारीखों के ऐलान के साथ ही निधि आप ये माने कि देश में जो राजनीतिक तापमान है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि आनन फानन में जो बची हुई सीटें जिन पे कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, जो अलग अलग जो प्रमुख पार्टियां हैं वो अब एक के बाद एक अपने जो बचे हुए उम्मीदवारों के नाम है उनका ऐलान करेंगे और जो इलेक्शन कैंपेन है, जो चुनाव प्रचार है, उसमें भी बहुत तेजी आ गई और तमाम बड़े नेता आपको एक के बाद एक जनसभाएं और कैंपेन और रैलियां। तो एक तरीके से कहें कि जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद राजनीतिक तापमान उछलेगा, यानी उसमें इजाफा होगा और एकदम से देश में पूरी तरह से चुनावी माहौल बनने लगेगा। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो एक अपील की है या जिस तरह से संदेश दिया है उसका कितना इम्पैक्ट होता है और अपने अपने तरीके से सभी दल अपने उपलब्धियों की बात करें, अपने एजेंडे की बात करें, अपनी गारंटी की बात करें, अपने तमाम चीजों जनता के बीच जा रहे हैं और उसमें जो उछाल आएगा वो तारीखों के ऐलान के साथ ही। जी बिल्कुल सुमंत, और आप हमारे साथ देखिए बने रहिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए 2014, 2019 और अब 2024 में चुनाव की तारीख,
चुनाव के चरण और परिणाम के दिन की जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए आज 2024 की चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज का दिन बहुत अहम है। टीवी 9 को मिली जानकारी के मुताबिक 6 से 7 चरणों में मतदान संभव है। मई के आखिरी हफ्ते में परिणाम आएगा यह भी संभव है। 2014 की बात करें तो 5 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। 9 चरण में कुल मिलाकर मतदान हुए थे और 16 मई को नतीजे सामने आए थे। और इसी तरह से 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 मार्च को तारीखों का ऐलान हुआ था। 7 चरणों में वोटिंग हुई थी और 23 मई को चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आए थे। जी, और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन एक दिन पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं बीजेपी आरएसएस का हथियार हैं। बीजेपी की सरकार बदलेगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर राजनीतिक दल बहुत उत्साहित हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। आप जरा सुनिए। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार मोदी जी 400 पार और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सब लोग अपने वार रूम से लेकर, अपने बीएलओ से लेकर और ट्रेनिंग कैंप से लेकर हम सब चीज की तैयारी कर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा जाए। हर बूथ पर हर बूथ को जीतने का संकल्प है। 370 प्लस प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, उसको मध्य प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है। सब लोग आज जब एक गठबंधन बनाए उसके साथ आएंगे, एक अच्छा हम लोग नेतृत्व देंगे। तो इसी जोर आजमाइश के साथ अब हर दल जुट जाएगा कि जीत कैसी हो। लोकसभा चुनाव जब हो रहे हैं तो परिणाम कैसा हो, और इसीलिए ही हर नेता इस वक्त जीत की हुंकार भर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में जनता का जोश भी हाई है। इस पर टीवी 9 भारतवर्ष ने अलग अलग शहरों में आम लोगों के रिएक्शंस लिए, आम लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी। आइए सुनते हैं चुनाव को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने देश के अलग अलग शहरों में ये जानने की कोशिश की कि चुनाव को लेकर जनता के कैसे उत्साह है। इस पर दिल्ली के लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। अभी तक तो जो मोदी जी ने काम किए हैं उसको लेके जब बात होती है तो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। किराड़ी विधानसभा हो, इन सभी विधानसभाओं में अब मैंने ये चीज नोटिस करी है, जल भराव और सीवर की जो समस्या इतनी ज्यादा बदहाल है कि जिसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में देश के लोग किन मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं, इस पर भी हमने लोगों से उनकी राय जानी। मुद्दे की बात ऐसी है, 10 साल से मोदी जी विकास की गति को दौड़ा रहे हैं। आज स्थिति क्या है? आज केवल विकास 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 की बात होती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अब की बार फिर भाजपा 400 की पार जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मांगा है सुझाव। 10 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया है, अपनी सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र किया गया है। तो आपको बता दें, देश के नाम जो चिट्ठी लिखी है गई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम ये चिट्ठी लिखी है और इसमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें जो 2047 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि भारत एक विकसित देश बनेगा। बाकायदा इसका जो जिक्र है वो किया गया, सरकार के बड़े फैसलों का इस चिट्ठी के माध्यम से जिक्र किया गया। तो पीएम मोदी ने अपने पत्र में क्या लिखा है यह आपके लिए जानना जरूरी है। देश की जनता को परिवार जन कहकर संबोधित किया गया है, जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी हर एक रैली से
कहते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। विकसित भारत का संकल्प 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है उसको दोहराया गया और साथ साथ इसके लिए आम जनता से सुझाव भी मांगे गए। कहा यह गया है 140 करोड़ परिवारजनों के साथ मेरा बेहद ही खास रिश्ता है, यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। सबसे बड़ी उपलब्धि, जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, इसका जिक्र किया गया। पीएम मोदी ने देशवासियों से आशीर्वाद और समर्थन मांगा है, कहा राष्ट्र निर्माण का प्रयास जारी रहेगा। तो 10 साल की उपलब्धियां बताई गई हैं सरकार की प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, और चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिट्ठी में बीजेपी का एजेंडा क्लियर भी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जनता के नाम अपने संबोधन में ये बता दिया है कि मोदी सरकार के काम के आधार पर, इसी बेस पर बीजेपी जनता की अदालत में जाएगी। प्रधानमंत्री ने पत्र में जीएसटी कानून अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक पर नया कानून बनाने का जिक्र किया गया है इस पत्र में, इस चिट्ठी में। और प्रधानमंत्री ने लिखा है कि संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आयुष्मान भारत योजना, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी, ये डिटेल बताई है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि बेहतरीन खबर, 1 महीने में 1 करोड़ परिवारों का रजिस्ट्रेशन, ये टाइमलाइन भी बताई गई है। मुफ्त बिजली योजना के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं जो, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये कहा गया है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन खबर है 1 महीने में 1 करोड़ परिवारों का रजिस्ट्रेशन। तो बुलेटिन में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले दोपहर 12 बजे TV9 भारतवर्ष पर लोकसभा चुनाव पर हम लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ा और विश्वसनीय ओपिनियन पोल TV9 भारतवर्ष की गारंटी। 543 लोकसभा सीट में हर एक सीट का सर्वे TV9 भारतवर्ष की गारंटी, नतीजे से पहले सबसे सटीक सर्वे रिजल्ट। क्या लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 सीटें पार कर पाएंगे? क्या सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी केंद्र सरकार? मोदी की गारंटी पर देश की जनता को कितना भरोसा है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बदले हुए सियासी समीकरणों का सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन को? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से हर किसी के मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। आज TV9 के ओपिनियन पोल में ऐसे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। 543 लोकसभा सीटों का सबसे पारदर्शी सर्वे, आप सीट पूछिए, हम नतीजे बताएंगे, आपको फोन पर रिजल्ट की जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको 01204900993 पर फोन करना पड़ेगा। TV9 भारत वर्ष पर जनता से सीधे संवाद होगा कि आखिर क्या कहता है ओपिनियन पोल। 01204900993 नंबर पर अपनी सीट का रिजल्ट आप पूछ सकते हैं। #TV9 ओपिनियन पोल पर सवाल करें, यानी फोन लगाओ और रिजल्ट पाओ। टीवी पर पहली बार गारंटी वाला सर्वे आज आप देखेंगे दोपहर 12 बजे से। इधर आज कर्नाटक से बीजेपी चुनावी कैंपेन का आगाज करेगी। पीएम मोदी आज कलबुर्गी में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का जबरदस्त तरीके से शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी में दोपहर करीब 2:15 बजे एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर देंगे। पीएम मोदी की रैली कलबुर्गी के एनवी खेल मैदान में होगी। कलबुर्गी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह जिला है। यहां से खड़गे 2009 और 2014 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन साल 2019 में बीजेपी प्रत्याशी से हार गए थे। दक्षिण में कलबुर्गी लोकसभा सीट की अहमियत को देखते हुए पिछले साल मई में पीएम मोदी कलबुर्गी गए थे और यहां रोड शो भी किया था। ऐसे में कलबुर्गी में होने वाली पीएम मोदी की रैली को बेहद अहम माना जा रहा है। कर्नाटक बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि ये दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी अपने दम पर सत्तारूढ़ रह चुकी है। दक्षिण भारत से बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीदें हैं। पीएम मोदी इस साल की शुरुआत से ही लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। वजह यह है कि दक्षिण भारत में लोकसभा की 130 से ज्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी इस बार कमल खिलाने की कोशिश में जुटी है।
और लोकसभा चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु में रोड शो रैली की, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के ऐलान के एक दिन पहले तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पर देश भर की नजरें थी। वजह थी पीएम मोदी की मौजूदगी, सड़कों पर अपार भीड़ और पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को हैदराबाद में मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र में बड़ा रोड शो किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा कई बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण भारत में एक ही दिन में तीन राज्यों में रैली की, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु और केरल का भी दौरा किया। शुक्रवार को पीएम के दौरे की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई, जहां जनसभा में पीएम मोदी ने राज्य की सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले किए। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी एलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। और एक बार फिर से आपको बता दें कि आज का दिन, आज की तारीख बेहद अहम है, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान 3 बजे होगा। और वहीं चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले आज दोपहर 12 बजे TV9 भारतवर्ष लोकसभा चुनाव पर लेकर आ रहा है सबसे बड़ा और विश्वसनीय ओपिनियन पोल। TV9 भारतवर्ष की गारंटी, 543 लोकसभा सीट में हर एक सीट का सर्वे, TV9 भारतवर्ष की गारंटी, नतीजे से पहले सबसे सटीक सर्वे रिजल्ट। और इस बीच खबरों में आगे बढ़े, राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज मुंबई पहुंच रही है। मुंबई में कल राहुल इंडिया फ्रंट के नेताओं के साथ रैली भी करेंगे। खबर आप देखिए, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां दिन। यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव में मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन इंडिया फ्रंट की रैली है, जिसमें गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बहुत बड़ी रैली होगी और राहुल जी के स्वागत के लिए पूरा इंडिया यहाँ पे उपस्थित रहेगा। इंडिया के लोगों को भी एक बड़ी उम्मीद है, हिंदुस्तान की जनता को उम्मीद है, राहुल जी से उम्मीद है। और राहुल जी का जो त्याग है वो सबको पता है, और राहुल जी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की संविधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लिए लड़ रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। राहुल जी का स्वागत उस तरह से किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की रैली में अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, नेशनल फ्रंट नेता से फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य समेत और कई नेता रैली में शामिल होंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी से किसी को प्रतिनिधि के तौर पर भेजने पर सहमति दे दी है। और हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, जिससे हिमाचल की जनता कांग्रेस को वादा खिलाफी का जवाब दे सके। हिमाचल के हमीरपुर संसदीय सीट से 5वीं बार प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव हो, जिससे हिमाचल के लोग वोट से चोट कर कांग्रेस के वादा खिलाफी का जवाब दे सके। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आचार संहिता भी लगे, जल्द से जल्द चुनाव हो। हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है, वोट की चोट राज्य की सरकार को ऐसी देगी कि वो भी बोलेंगे कि 15 महीने में जो वादा खिलाफी इन्होंने की है, जो वायदे पूरे नहीं किए, अब उसका करारा जवाब जनता देने में तैयार है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नशे से मुक्त सुरक्षा से युक्त अभियान के तहत हिमाचल के युवाओं को नशे से दूर रखने और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना और सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईडी एक्शन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इंडिया अलायंस कई गारंटी लेकर चुनाव में उतरा हुआ है। हमारी ओर से हमने 25 गारंटियां दी हैं, जो हमारी चुनावी रणनीति भी है। एक तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल इन गारंटियों के आधार पर किसान
न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। जब जनादेश मिलेगा जनता खुद देख लेगी कि हमने जो कर्नाटक में किया है, तेलंगाना में किया है, जो हमने गारंटियां दी हैं, इससे तो प्रधानमंत्री भौंकलाए गए हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि वो खुद अभी मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी का मंत्र गिना रहे हैं सबको। पहले तो कभी गारंटी का शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे, पर वो जान गए हैं कि गारंटी शब्द अभी हमारे राजनीतिक शब्दकोश में आ गया है और ये राहुल गांधी जी का योगदान है। तैयार हैं हम यार, हम हैं तैयार। और अब बात अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाला केस में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें आज एसीएमएम कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट के सेशन जज राकेश सयाल ने ईडी की शिकायत पर एसीएमएम की कोर्ट के जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को आज एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा। मामले में केजरीवाल एक बार सीबीआई की पूछताछ में पेश हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च यानी कि शनिवार को कोर्ट में पेश होकर बताना होगा कि ईडी के समन की तामील क्यों नहीं की, या फिर ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कोर्ट के सामने पेश होकर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग करें, या फिर ये कहें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी हो। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राउजनी की सेशन कोर्ट से किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में 8 बार समन जारी किया है, लेकिन एक भी समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है। गिरफ्तारी के खिलाफ बीआरएस ने आज तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। हैदराबाद से गिरफ्तार बीआरएस एमएलए के कविता को देर रात दिल्ली के ईडी ऑफिस लाया गया। यहाँ उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनसे दिल्ली के कथित एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे से पूछताछ की जाएगी। उनके समर्थकों के हंगामे को देखते हुए दिल्ली में ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई। इसके पहले शुक्रवार को समर्थकों के हंगामे के बीच ईडी की टीम ने हैदराबाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस को उन पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आबकारी घोटाले के आरोपी के गवदा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने अपने बयान पंचनामे में बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं के हंगामे का जिक्र किया है। पंचनामे में लिखा है कि शाम करीब 6 बजे करीब 20 लोग, जो खुद को उनके वकील और भाई बताकर जबरन पूछताछ के दौरान घर में घुस आए और जमकर हंगामा किया। किसी ने भी पहचान पत्र नहीं दिखाया, जिसकी वजह से एजेंसी की कार्रवाई में देरी हुई। इसके साथ साथ की कविता के 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी को झटका लगा है। टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के तमलुक से टीएमसी सांसद और बीजेपी के नेता शिवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी और बैरकपुर सीट से सांसद अर्जुन सिंह शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। अर्जुन सिंह के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार कर शासन में बने रहना चाहती है। इसका ताजा नमूना संदेश खाली में देखा है। राज्य में एक संदेश खाली नहीं, कई विधानसभा में संदेश खाली की तरह ही लोग जी रहे हैं। तृणमूल की सरकार जो वहाँ है उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। वही दिव्येंदु अधिकारी ने भी टीएमसी छोड़ने की वजह संदेश खाली की घटना को बताया। इधर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट को जारी कर दिया है। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें एक सीट गठबंधन दल टीएमसी को दी गई। लिस्ट के मुताबिक यूपी के बिजनौर सीट से यशवीर सिंह,
नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से बिजेंद्र सिंह, हाथरस से जसवीर बाल्मीक और लालगंज सीट से दरोगा सरोज को टिकट दिया गया है। दरोगा सरोज लालगंज से सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है और लालगंज से प्रत्याशी बनाया है। वहीं भदोही लोकसभा सीट से पार्टी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। यहां से ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। टीएमसी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन है। भदोही की सीट टीएमसी को दी गई है। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट दी है। इसमें वाराणसी के साथ साथ अमेठी और रायबरेली की सीट भी शामिल है। ये खबर बिहार से है। लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले शुक्रवार को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। 21 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें बीजेपी से 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से नीतीश मंत्रिमंडल का जो विस्तार रुका हुआ था, आखिर शुक्रवार को वो पूरा हो गया। कैबिनेट विस्तार में कुल 21 नए मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी से 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बने। इनमें जिस प्रमुख नेताओं को शपथ दिलाई गई, उसमें रेणु देवी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, महेश्वरी हजारी, नीरज कुमार, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, जयंत राज, रत्नेश सदा और मदन सहानी के साथ जमा खान ने भी मंत्री पद ग्रहण किया। मंत्रिमंडल विस्तार में हर जाति और वर्ग को सरकार में हिस्सेदारी देने की कोशिश की गई। बीजेपी ने स्वर्णों के अलावा दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को खास जगह दी गई है। वहीं जेडीयू कोटे से सबसे ज्यादा दलित और अति पिछड़ा वर्ग को जगह दी गई है। शपथ लेने वाले 21 नए मंत्री में 6 सवर्ण, 6 दलित, 4 अति पिछड़ा, 4 पिछड़ा और 1 मुस्लिम चेहरा शामिल है। दरअसल सियासी नजरे से बिहार को हॉट लैंड माना जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट विस्तार में जाति समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू के सांबा में ट्रक में भीषण आग लगी है। भूसे से भरे ट्रक में भीषण आग लगी है। भूसा होने की वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैली। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों सुरक्षित हैं। दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें आपके सामने जम्मू के सांबा की है, जहां पर भूसे से भरा हुआ ये ट्रक था और अचानक से इस ट्रक में आग लग गई। आग लगने के पीछे वजह क्या थी ये तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ट्रक में भूसा भरा हुआ था, लदा हुआ था, ऐसे बहुत तेजी के साथ आग फैली है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि जो ड्राइवर और क्लीनर हैं वो दोनों सुरक्षित हैं इस हादसे के बाद। और आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पैदा हुआ जल संकट चेतावनियों पर ध्यान न देने का परिणाम है। बेंगलुरु में क्या हालात हैं, देखिए रिपोर्ट। देश की सिलिकॉन वैली नाम से मशहूर बेंगलुरु में पानी का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई इलाकों में लोग जल आरओ प्लांट के पास पानी के लिए लंबी कतार में नजर आए। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा साहब, ये नहीं तो पानी नहीं, और दो वीक में थ्री टाइम्स छोड़ रहा उतना ही पानी, और पानी भी थोड़ा गलीज आ रहा है, एडजस्ट कर रहा है। पानी का बहुत प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा देख के पानी दिया तो बहुत अच्छा है। बोल रहे हम टैंकर से पानी भेज रहे हैं। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा अभी तक, हमें तो नहीं देखा, चुपके बोलना नहीं, हम नहीं देखा। ये पानी डेली देख रहा, दिन में दो बार आके इनके पास लेके गया तो पानी पी रहा है, नहीं तो नहीं। सेंट्रल बेंगलुरु में हालात ज्यादा खराब है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को वॉशरूम जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉपिंग मॉल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीने वाले पानी से गाड़ी धोने और पौधों में पानी देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। शहर के 1.4 करोड़ लोग भी पानी बचाने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।